हेलो गाइस, दिस इज अंकित कौशिक एंड यू आर वेलकम टू चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ने वाले क्लाउड्स के बारे में। ठीक है, क्लाउड्स हमारा टॉपिक है, चैप्टर 11 वाटर इन द एटमॉस्फेयर एनसीईआरटी ज्योग्राफी। ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं। तो देखो, क्लाउड्स के बारे में हमने पढ़ा तो है कि क्लाउड्स होते हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, लेकिन क्लाउड्स की डेफिनेशन क्या होती है ना। तो क्लाउड्स बेसिकली मास ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं या मास ऑफ क्रिस्टल। या तो वाटर ड्रॉपलेट होगा एटमॉस्फेयर में या आइस होगा। ठीक है, आइस क्रिस्टल्स होंगे। कैसे बनते हो? बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन ऑफ इन द एयर, वाटर वेपर का कंडेंसेशन हो जाता है एयर में, तो क्या होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स बनेंगे या आइस क्रिस्टल्स बनेंगे। उस मास को हम क्लाउड बोलते हैं, लेकिन वो मास अर्थ सरफेस से ऊंचाई पर होना चाहिए, सरफेस के पास नहीं होना चाहिए। अगर वो एयर मास, एयर पार्सल अगर सरफेस के पास है तो तब उसको हम फोग या मिस्ट बोलेंगे। ठीक है, क्लाउड बोलने के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि वो कंसिडरेबल हाइट पे बनना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया। वो जो कंडेंसेशन हुआ है वो एक हाइट के ऊपर होना चाहिए, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्लाउड इज मास ऑफ माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स और टाइनी क्रिस्टल्स ऑफ द आइस फॉर्मड बाय द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इन फ्री एयर एट कंसिडरेबल एलिवेशन। कंसिडरेबल एलिवेशन पे बनने चाहिए। मास ऑफ माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स और टाइनी क्रिस्टल्स होते हैं, ऑफ आइस होते हैं, फॉर्म बाय कैसे, कंडेंसेशन की वजह से बनते हैं। किसका कंडेंसेशन? ऑफ वाटर वेपर इन फ्री एयर। ठीक है, समझ आ गया यहां तक? डेफिनेशन क्लियर होगी क्लाउड्स की। ये डेफिनेशन एनसीईआरटी की कहीं भी चेक सकते हो, यहां भी आपको मन करे मन लिख सकते हो आराम से। ठीक है, एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, एज क्लाउड्स आर फॉर्म एट सम हाइट ओवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ दे टेक वेरियस शेप्स। क्योंकि क्लाउड्स जो है वो हाइट से ऊपर बनते हैं, काफी हाइट पर बनते हैं, तो उनकी वेरियस शेप्स में बनते हैं। इन शेप्स के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं आगे, कौन सी शेप कैसे बनती है, सभी शेप के बारे में, उसके बेसिस पे कौन सा क्लाउड बनता है, ये सब चीजें हम आगे इसी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, अब क्लाउड्स को क्लासीफाई किया जाता है। क्लासीफाई करने का तरीका क्या है, सबसे पहला क्या है, बेसिस क्या है? सबसे पहला उनकी हाइट, कितनी हाइट पे कौन सा क्लाउड बन रहा है, उसका एक्सपेंस कितना है, फैलाव कितना है, कितना दूर तक स्प्रेड हो रहा है वो, डेंसिटी कितनी है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी या ओपैकनेस कितनी है, मतलब सनरेज उसको पेनिट्रेट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है ना, वो भी डिपेंड करता है। इन सब के बेसिस पे क्लाउड्स आर ग्रुप्ड अंडर फोर कैटेगरीज। इन सब बेसिस को ध्यान में रखते हुए क्लाउड्स को जो हमने फोर कैटेगरीज में ग्रुप किया हुआ है, वो फोर कैटेगरी कौन कौन सी है? सबसे पहली साइरस है, ये सबसे ऊपर बनते हैं, उसके बाद क्यूमुलस है, उसके बाद स्ट्रेटस है, और उसके बाद निम्बस है। निम्बस लो क्लाउड्स होते हैं। ठीक है, इन सब की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके कहाँ पे बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये सब हम अभी पढ़ने वाले हैं इसी क्लास में। प्लस इन सब के कॉम्बिनेशन भी होते हैं, ये आपस में जब जुड़ जाते हैं इनका कॉम्बिनेशन भी होता है, उस वो भी क्लाउड्स पाए जाते हैं, वो कॉम्बिनेशन के बारे में भी हमें इसी क्लास में डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ क्लाउड्स में सबसे पहले टाइप के क्लाउड्स कौन से होते हैं? ये होते हैं हमारे साइरस क्लाउड्स। साइरस क्लाउड्स क्या होते हैं? ये बनते हैं 8000 से 12000 के एल्टीट्यूड पे, सबसे ऊंचाई पे यही क्लाउड्स मिलते हैं हमें। ठीक है, बहुत ही थिन क्लाउड्स होते हैं और डिटेच क्लाउड्स होते हैं, दूर दूर होते हैं, इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से बादल जो आपको देखने को मिलते हैं, दूर दूर होते हैं और थिन क्लाउड्स होते हैं ये, हैविंग ए फेदरी अपीयरेंस। इनकी अपीयरेंस जो होती है फेदरी, ऐसा लगता है पंख जो होते हैं, फेदर होते हैं, उस तरह की अपीयरेंस होती है इनकी, बहुत थिन होते हैं ज्यादा। दे आर ऑलवेज व्हाइट इन कलर, और ये हमेशा व्हाइट होते हैं कलर में। समझ आ गए साइरस क्लाउड्स के बारे में? ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको तीन चार याद रखनी है। हाइट उनकी याद रखनी है, 8000 से 12000 लीटर में मिलते हैं, थिन होते हैं, डिटैच्ड होते हैं, और फेदर अपीयरेंस होती है, और हमेशा व्हाइट होते हैं, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला कौन सा बोल रहा है? अगला बोल रहा है क्यूमुलस क्लाउड्स। ये कॉटन वूल की तरह दिखते हैं, कॉटन वूल रुई होती है विद अ फ्लैट ब्रेज। जनरली इनका ब्रेज जो होता है वो फ्लैट फ्लैट होता है, लेकिन इस तरीके से जनरली इनका बेस फ्लैट होता है और वूल की तरह, कॉटन वूल की तरह होते हैं। ये थोड़ा मैंने गलत बना दिया,
इनकी हाइट क्या होती है 4,000 to 7,000 meters. दे एग्जिस्ट इन पैचेस, ये पैचेस में होते हैं, एक यहाँ है फिर दूसरा थोड़ी दूर, तीसरा थोड़ी दूर. कैन बी स्कैटर्ड, फैले हुए भी हो सकते हैं इधर उधर, ठीक है. दे हैव ए फ्लैट बेस, इनका बेस फ्लैट होता है, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये याद रखनी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्यूमुलस क्लाउड की. उसके बाद फिर इनसे नीचे आते हैं स्ट्रेटस क्लाउड्स, जैसे कि इनका नाम बता रहे स्ट्रेटा, लेयर्ड होते हैं, ठीक है. कमिंग ये लेयर्ड क्लाउड्स होते हैं और कवरिंग ए लार्ज पोर्शन ऑफ द स्काई, इस तरीके से एक के बाद एक ये लेयर जो है, ये लेयर इस तरीके से लेयर होते हैं, एक के बाद एक लेयर होती है और ये बहुत फैले हुए होते हैं, बहुत बड़ा पोर्शन क्लियर कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं स्काई का. जनरली फॉर्म इधर ड्यू टू लॉस ऑफ हीट, जब हीट बहुत ज्यादा लॉस होता है, एयर कूल नहीं होगी, हीट लॉस होगा, तो हीट लॉस होगा तो अपने आप एयर का टेम्परेचर नीचे चला जाएगा, है ना. और द मिक्सिंग ऑफ एयर मासेस विद डिफरेंट टेम्परेचर, या दो एयर मासेस और डिफरेंट टेम्परेचर अगर मिक्स करते हैं तो भी एयर लॉस, तो भी हीट लूज ही होती है. ये कोल्ड एयर मास है, ये वार्म एयर मास है, जब भी मिलेंगे तो बस ये बात है, इसका टेम्परेचर कम गिरने लगेगा इसकी कॉन्टेक्ट में आने के बाद, है ना, तो भी लॉस ऑफ हीट ही होगा. तो ये तभी मिलते हैं, कौन से स्ट्रेटस क्लाउड्स, ये तब बनते हैं, बहुत ज्यादा फैले हुए होते हैं, ठीक है. यहां तक आपको समझ आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हमारे कौन से आ गए, निम्बस क्लाउड्स, फोर टाइप है. क्या इनका कैरेक्टरिस्टिक, सबसे पहला इनका कैरेक्टरिस्टिक है कि या तो ब्लैक होते हैं या डार्क ग्रे होते हैं, ये इनका बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक. जब भी आपको लिखे काले रंग के बादल हैं तो या तो ब्लैक होंगे या डार्क ग्रे होंगे, वो कौन से होंगे, निम्बस क्लाउड्स होंगे. दे फॉर्म एट मिडिल लेवल्स, मिडिल लेवल बनते हैं, वेरी नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, कभी कभी सरफेस के बहुत पास भी हो जाते हैं, ठीक है. दे आर एक्सट्रीमली डेंस, बहुत ज्यादा डेंस होते हैं. एंड ओपाक टू सन रेज, अगर कभी छाया हो गई है, मतलब सनलाइट नहीं पहुंच पा रही है, एकदम से दोपहर को अंधेरा हो गया है, तो समझो निम्बस क्लाउड्स हैं वहां पे, ठीक है, किसी भी फॉर्म में निम्बस क्लाउड्स हैं वहां पे. समटाइम्स द क्लाउड्स आर सो लो दैट सीम टू टच द ग्राउंड, कभी कभी क्लाउड्स इतने लो होते हैं तो ऐसा लगता है कि ग्राउंड को ही टच कर लेंगे, ठीक है. निम्बस क्लाउड्स आर शेपलेस मासेस ऑफ थिक वेपर, जो निम्बस क्लाउड्स होते हैं शेपलेस मासेस होते हैं ऑफ थिक वेपर, मतलब इनमें वाटर वेपर बहुत ज्यादा होती है जो कि अभी कंडेंस होने वाली है, ठीक है. आगे क्या करें, इन चारों जो हमने क्लाउड्स के बारे में पढ़ा, कौन कौन सा पढ़ा, साइरस पढ़ा, क्यूमुलस पढ़ा, स्ट्रेटस पढ़ा, निम्बस पढ़ा, इन चारों, ये चार बेसिक क्लाउड हो गए, इनके कॉम्बिनेशन से भी क्लाउड्स बनते हैं, वो कौन कौन से हैं. सबसे पहले हायर लेवल पे कौन से हाई क्लाउड्स होते हैं, जो ऊंचे लेवल पे कौन कौन से बनेंगे, साइरस बनेंगे, साइरस स्ट्रेटस बनेंगे, मतलब साइरस मतलब ऊंचाई पे, स्ट्रेटस मतलब लेयर्ड क्लाउड, जिनमें साइरस के भी फीचर्स होंगे और स्ट्रेटस के भी फीचर्स होंगे, ठीक है. दूसरे कौन से बनेंगे, तीसरे साइरो क्यूमुलस, जिनमें साइरस क्लाउड्स के फीचर्स होंगे और क्यूमुलस क्लाउड्स के फीचर्स होंगे, समझ गए. इन दोनों के कॉम्बिनेशन के ये इस तरह के क्लाउड्स बनते हैं. फिर आते हैं मिडिल लेवल पे, कौन कौन से मिलते हैं हमें मिडिल लेवल पे, ऑल्टो मतलब होता है मिडिल, ठीक है, ऑल्टो स्ट्रेटस, मिडिल लेवल पे स्ट्रेटस क्लाउड्स मिल जाते हैं हमें. उसके बाद ऑल्टो क्यूमुलस, मिडिल लेवल पे क्यूमुलस क्लाउड्स मिल जाते हैं, ठीक है. ये हो गया दूसरा क्लासिफिकेशन. तीसरा लो क्लाउड्स, अब नीचे लेवल पे कौन कौन से कॉम्बिनेशन मिलते हैं हमें. सबसे पहला मिलता है स्ट्रेटो क्यूमुलस, दोनों के फीचर्स हैं, स्ट्रेटस क्लाउड्स के भी है, फैलाव भी बहुत ज्यादा है, क्यूमुलस भी है, फ्लफी भी है, ठीक है, लेयर स्ट्रक्चर भी और फ्लफी भी है, मतलब कोटलेस वाला स्ट्रक्चर भी है. या निम्बो स्ट्रेटस, लेयर स्ट्रक्चर है स्ट्रेटस का और निम्बो मतलब काले है, ओपाक है, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है, डेंस है भी है, इन दोनों के फीचर्स मिल जाएंगे, समझ आ गए. इनके अलावा एक और होते हैं जिनकी की एक ऐसे क्लाउड्स और होते हैं जिनकी वर्टिकल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होती है. वो स्टार्ट तो ग्राउंड लेवल से हो जाते हैं, ग्राउंड लेवल मतलब ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊपर नीचे लेवल्स होते हैं, लेकिन वो बहुत ऊंचाई तक चले जाते हैं. वो कौन कौन से क्लाउड्स हैं, उनमें क्यूमुलस क्लाउड्स आते हैं. अब आपने क्यूमुलस क्लाउड तो पढ़ लिया, लेकिन कई बार क्या होता है क्यूमुलस क्लाउड्स आपस में हवा वगैरह चलती है तो टकरा टकरा के इतने ज्यादा वो बड़े हो जाते हैं कि वो वर्टिकल डेवलपमेंट उनमें होने लगती है और तब उन्हें बारिश भी बहुत ज्यादा कराते हैं वो, ठीक है. दूसरा क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, कई बार क्यूमुलस क्लाउड्स और निम्बस क्लाउड्स, वही फ्लफी वही वर्टिकल डेवलपमेंट अगर निम्बस क्लाउड्स और क्यूमुलस को मिलकर होती है, फ्लफी भी हो गए, डार्क भी हो गए, वाटर वेपर भी उन्हें बहुत ज्यादा है ना, बारिश भी कराएंगे वो बहुत ज्यादा, सनलाइट को भी नहीं आने देंगे तो बहुत ज्यादा बारिश. ये जब क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं, हमने जो पढ़ा था कब,
हमने ये पढ़ा था साइक्लोन्स में, साइक्लोन्स में जब बनते हैं तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बहुत लंबे, ठीक है समझ आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो क्लाउड्स हमारा ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, अगर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कर लीजिएगा, मैं दोबारा बता दूंगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।